हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, गर्मी के सीजन में कभी भी आइसक्रीम से मन भरता है क्या? नहीं ना, तो इसलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपी, जिसे मैंने बनाया है पार्ले जी बिस्किट से। दोस्तों, आजकल पार्ले जी बिस्किट तो हर घर में ही होता है, तो क्यों ना इस गर्मी हम ट्राई करें कुछ ठंडा, कुछ सस्ता लेकिन टेस्टी रेसिपी। तो चलिए फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे हम पार्ले जी बिस्किट से बना सकते हैं टेस्टी डिलीशियस आइसक्रीम। तो चले फिर। तो सबसे पहले लेंगे हम एक मिक्सी जार और इसमें डालेंगे ये 10 रुपए वाला पार्ले जी बिस्किट। इसको हम तोड़ तोड़ के इसमें डाल देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी, और अब इसको हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेते हैं। तो मैंने बिस्किट को और चीनी को एक साथ अच्छे से पीस लिया है। अब लेंगे हम दूसरा बर्तन और इसमें हम इसको खाली कर लेंगे। तो मैंने इसमें खाली कर लिया है बिस्किट को, और अब हम लेंगे 1 कप दूध और दूध को इसमें थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए इसे मिक्स करेंगे, हल्का हल्का, जितना रिक्वायरमेंट हो उतना उतना। और अब हम इसमें डालेंगे पीनट बटर, तो 2 चम्मच इसमें हमें पीनट बटर डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, तो 2 चम्मच हम डालेंगे मिल्क पाउडर। अब हम इन सबको दूध थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर देंगे। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। 1 कप पूरा दूध जो है इसमें लग गया, तो 1 पैकेट पार्ले जी बिस्किट में 1 कप दूध पूरा कम्प्लीटली लग जाएगा। तो अभी हम लेंगे 7 से 8 आलमंड, ये कुछ आलमंड है, इसको हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो मैंने ये सारे बादाम को, आलमंड को अच्छे से टुकड़ों में तोड़ लिया है, इसे साइड रख देंगे। और अभी हम लेंगे जिसमें मुझे आइसक्रीम जमाना है पॉपस्टिकल, और इसमें हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। तो मैंने इसमें ये डाल दिया है और अभी हम इसके ऊपर ये जो आलमंड मैंने बादाम काट के रखा है इसको डाल देंगे, हल्का हल्का, एकदम थोड़ा थोड़ा। तो इस पे मैंने सारे पे थोड़ा थोड़ा ये बादाम का टुकड़ा डाल दिया है। और अभी हम इसमें स्टिक लगाएंगे, तो एकदम हल्के हाथों से इसको लगाना है। तो ये मैंने इसमें स्टिक लगा दिया है। और अभी हम लेंगे ये मेलोडी टॉफ़ी, तो ये 3 मेलोडी टॉफ़ी मैंने लिया है। इसकी जगह पे आप चाहें तो चोको चिप्स भी ले सकते हैं। अभी इन सब पे हम इसे क्रश कर करके डाल देंगे टॉफ़ी को, तो इसके ऊपर इस तरह से हम इसको क्रश करके डाल देंगे। तो मैंने इसके ऊपर मेलोडी टॉफ़ी को क्रश करके डाल दिया है। आप चाहें तो कोई भी टॉफ़ी इस पर आप डेकोरेशन के लिए डाल सकते हैं, मतलब जो भी आपके पसंद का टॉफ़ी वो डाल सकते हैं। अगर आपको टॉफ़ी इससे क्रश नहीं हो रहा है तो आप टुकड़ों में तोड़कर भी इसमें डाल सकते हैं इसके ऊपर।
और अभी हम इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। फ्रीजर में जा रही हूँ मैं इसे रखने, और पूरे रात के लिए इसको फ्रीजर में छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट डे हम इसको निकालेंगे। तो दोस्तों इसे मैंने पूरी रात फ्रीजर में रखा था, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है, देखने से ही खाने में बहुत टेस्ट लगता है। मैंने इसे कई बार बनाया है, आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो अभी इसको हम मोल्ड से निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे मोल्ड से निकाल दिया है, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है ये देखने में ही। अभी हम इस पे थोड़ा सा चॉकलेट का टचअप करेंगे। तो मैंने लिया है ये गरम पानी, और ये 10 रुपए वाला चॉकलेट डेरी मिल्क। आप चाहें तो इस पे चॉकलेट सिरम भी आप डाल सकते हैं, वो देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी टेस्टी लगेगा। मेरे पास ये चॉकलेट था तो मैं ये चॉकलेट ट्राई कर रही हूँ। तो इसे हम डालेंगे गर्म पानी में और इसे 1 मिनट के लिए गर्म पानी में छोड़ देंगे। तो 1 मिनट हो गया है, और अभी हम चॉकलेट पैकेट को इस गर्म पानी से निकाल लेते हैं और गर्म पानी को हम साइड कर देंगे। अब हम इस चॉकलेट पैकेट को थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर काटेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको इस तरह से इस पर आइसक्रीम पे सजा देंगे। तो इस तरह से इसको हम सजा देंगे। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, सच में ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप ट्राई करके बताइएगा कि आपका ये पार्ले जी बिस्किट आइसक्रीम कैसा बना।